तो ये बोर्डिंग पास है, इसका कॉस्ट क्या हो सकता है आप लोग गेस। फिसल गया। ये दीवाल के जस्ट पीछे हम लोग का कैंपिंग है और दीवाल के इस साइड, तो अभी इधर स्नैक्स में है मिसल पाव। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं अलीबाग और अभी तक मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि जाऊँ किस से, क्योंकि मैं कार लेके नहीं जा रहा हूँ, स्कूटी से जाने वाला हूँ। तो अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अलीबाग मैं जेटी से जाऊँ कि सीधा स्कूटी से जाऊँ, और स्कूटी से जाने के लिए इसलिए नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि पूरा फेस खराब हो जाएगा। तो अभी हम लोग ऑनलाइन चेक करें तो M2M जेटी ऑनलाइन में पूरा बुक दिखा रहा है, अवेलेबल ही नहीं है। तो पहले यहाँ से हम लोग जाएंगे डॉकयार्ड, वहाँ पर देखते हैं क्या बोलते हैं जेटी अवेलेबल है नहीं है। अगर अवेलेबल रहेगी तो जेटी से निकल जाएंगे, नहीं तो फिर स्कूटी से जाएंगे। सो ऑल सेट। तो अभी हम लोग निकल गए हैं और अभी टाइम कितना हो रहा है, 12 बज गए। कितना टाइम हो रहा है? 12 बज गए। 9:30 बजे निकलने वाला था मैं, लेकिन फाइनली हम लोग निकल गए हैं। तो चलते हैं अभी सीधा डॉकयार्ड, वहाँ से देखते हैं जेटी अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि ऑनलाइन तो दिखा नहीं रहा है। तो हमारी स्कूटी में पेट्रोल नहीं था, अभी यहाँ से पेट्रोल भराते हैं, फिर निकलते सीधा डॉकयार्ड पे। आई होप सो वहाँ पे मिल जानी चाहिए जेटी, नहीं तो फिर हम लोग को स्कूटी पे ही जाना पड़ेगा, और फर्स्ट टाइम मैं इतने लंबे जा रहा हूँ स्कूटी पे। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँचे और हम लोग को टिकट भी मिल गया, और अभी हम लोग यहाँ से बोर्डिंग पास लेके जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ से। तो ये बोर्डिंग पास है, ये 1250 का मिला हम लोग को, स्कूटी प्लस हम लोग दो जन का टोटल 1250 हुआ। अभी यहाँ हम लोग लाइन में खड़े हैं, तो अभी हमारी बोर्ड में एंट्री हो रही है। ये भाई फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा बोर्ड में, ऐसा जा रहा हूँ मैं अलीबाग, आज तक तो गया नहीं। अरे वो ऊपर चढ़ाएंगे क्या? अभी बोट में आ गए हम लोग और हम लोग की स्कूटी यहाँ पार्क है, देखेंगे ऊपर क्या है कैसा है, थोड़ा एंजॉय तो करते भी हो। और M2M फेरी है ये, मस्त लग रही है देखने में। तो चलते हैं ऊपर। फर्स्ट टाइम मैं जेटी में आया हूँ और मुझे तो भैया बड़ा अच्छा लग रहा है। पानी की लहरें देखो, और यहाँ पे सब लोग की अभी कार आके पार्क होगी। आई थिंक मैं स्कूटी पहले पार्क कर दिया हूँ, मुझे निकालने में प्रॉब्लम होगी, और मैंने एकदम लास्ट में पार्क किया हूँ। अभी हम लोग ने एक कोल्ड कॉफ़ी और दो समोसे लिए हैं, और इसका कॉस्ट क्या हो सकता है आप लोग गेस कर नहीं सकते, ओनली 430। इसके वजह से मुझे इतना पैसा स्पेंड करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं नहीं लाता था ये, सिर्फ तेरे वजह से ला रहा हूँ। ऑर्डर कर लिया हो तो खा लेते हैं। 430 हमारा ख़त्म हो गया और हमको पता भी नहीं चला। अब यहाँ से उठना है, घूमना है, सब लोग घूम रहे, सिर्फ तू यहाँ जब से बैठी तो बैठी गई है। और मज़ा आ गया फेरी में आके, मैं सोचा था मेरे को नहीं मिलेगी फेरी, तो फिर मैं क्या करूँगा, लेके चले जाऊँगा स्कूटी, और अच्छा हुआ मुझे मिली, इसका एक अलग ही मज़ा है। हैव अ लुक गाइस, बहुत ही सही फेरी है ये M2M फेरी, मज़ा ही आ गया इसमें आ गया। तो यहाँ पे बैठ गई थी तो यहाँ से ये उठ ही नहीं रही थी, और अभी जा वगैरह खाने के लिए हम लोग वहाँ पे बैठ के खा रहे थे। लेफ्ट राइट, इधर चला मैं उधर चला, यारो कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया। खतरनाक अभी जेटी ऐसे लेफ्ट राइट, बहुत गंदा, मतलब एक बार तो पूरा ही लेफ्ट साइड में पूरी दब गई थी वो, फिर गई लेफ्ट। मुझे तो भैया बड़ा मजा आ रहा है जेटी में, फिर से आऊंगा मैं इधर। One hour later. तो अभी हम लोग जेटी से आ गए हैं मांडवा, और अभी मांडवा से जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन पे, और डेस्टिनेशन से तो ज़्यादा प्यारा सफ़र था, सफ़र में बहुत मज़ा आ गया। अच्छा हुआ मैंने स्कूटी लेके आया, मुझे पता था यहाँ से मैंने हाफ आवर और है। मुझे तो मतलब जेटी में ऐसा मज़ा आ गया है ना कि क्या बताऊँ, बस कोई साथ में होता ना जो अच्छा अच्छा शूट कर देता था वीडियो रील फोटो, तो और मज़ा आ जाता था। बट यहाँ इंटर होने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं गांव पहुंच गया। One hour later. Guys, finally, हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। हम लोग आए हैं अलीबाग में कैंपिंग के लिए, और ये बहुत ही प्यारा प्लेस है। और अभी ये ना शाम के 5 बजे के बाद बहुत अच्छा दिखेगा, क्योंकि अभी जब यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा
लाइट्स वगैरह चालू हो जाएगी तब ये जगह देखने में बहुत मजा आएगा। तो मैं आप लोगों को तभी ये दिखाऊंगा तब कैसा दिख। अभी तो कैसा सब रेडी हो रहा है और यहाँ पे इनका किचन है और अभी यहाँ सब रेडी हो रहा है। यहाँ पे भी सब लाइन से कैंपिंग वगैरह लग रहे हैं। बहुत ही अच्छा डेकोर किया गया हुआ है यहाँ पे। ये जो आपको सब दिख रहा है ना, ये शाम में बहुत ही अच्छा लगेगा जब ये सब लाइट चालू हो जाएगी। और यहाँ लाइन से पूरा कैंप दिया हुआ है और यहाँ पे भी कैंप है, तो ये बारिश के लिए कैंप है। और बेस्ट पार्ट है ये भी जो कि हमें मिल रहा है कैंपिंग के साथ। और ये एंजॉय कर, ओह हो गया, गया खत्म, चीची गंदा लग गया है। तो हमारा यहाँ पे वेलकम किया जा रहा है कोकन पानी से। अभी इसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा, मिसल पाव। स्नैक्स में मिलेगा मिसल पाव, पहले कोकन पानी पीते। यहाँ लाइन से कैंप लगे हुए हैं, इधर पे कैंप है, इधर पे झूला। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस है, थोड़ा सा झूलाऊं ये झूलता नहीं है। ये है हमारा कैंप, वहाँ पे इन लोग ने बनाया है सेल्फी पॉइंट, मतलब काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे आप लोग आके फोटोज भी क्लिक कर सकते हो, द टेंट कैंपिंग। तो ये रात में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं रात में भी एक बार ये दिखाऊंगा। और यहाँ कैंपिंग आप अगर करने आ रहे हो तो यहाँ का एक सबसे बेस्ट पार्ट है जो कि मैं दिखाता हूँ, और वो एकदम पास में ही है। ये कैंप है और इसके पास में ही, ये दरवाजे से बाहर निकलते ही बीच है एकदम पास में। और ये बहुत बेस्ट पार्ट है यहाँ से जाने के लिए, एकदम पास में ही है। अगर आप यहाँ पे कैंपिंग करते हो, ओहो क्या हवा आ रही है, और एकदम पास में ही ये व्यू देखने मिलेगा जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एकदम नीट एंड क्लीन बीच है ये, ज़रा भी गंदा नहीं है, जैसे कि मुंबई में जुहू बीच है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये दीवार के जस्ट पीछे हम लोग का कैंपिंग है और दीवार के इस साइड बीच। तो अभी हम लोग आ गए सीधा बीच पे, सनसेट देखेंगे बीच पे। देखो ये क्या लेके आई है, क्या ये चाओ चाओ, मतलब ये नेपाल में ही मिलता है ना। हाँ। अभी बीच पे गंदगी नहीं करना है, चाओ चाओ ला के इधर, नेपाल का गंदगी इधर मुंबई में नहीं करने का रहता है। बीच बहुत ही अच्छी है एज कम्पेयर टू द जुहू एंड गोराई बीच, उससे काफी ज्यादा अच्छी है। और हम लोग ये छोटा सा समुंदर पार कर दिए, अभी वो बीच में जा रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ का मुझे सबसे अच्छा क्या लग रहा है बीच का, कि बहुत ही नीट एंड क्लीन है। पीछे जो पेड़ है ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इसको देखो, नंगे पैर आ गई है। हम लोग वहाँ से आ गए हैं यहाँ तक। पता नहीं कैसे लोग समुंदर में नहा लेते हैं, मुझसे तो कभी नहीं हुआ और मैंने आज तक नहीं नहाया ऐसे समुंदर में जैसा इन लोग नहा रहे हैं। अभी तक हम लोग बीच पे थे, अभी हम लोग सोच रहे रिटर्न फिर से जाएं कैंपिंग पे। चले, अरे चल टाइम पास मत कर, चल चल। तो अभी इधर स्नैक्स में है मिसल पाव और ये निकाल रही है। अभी मिसल पाव ले जाके हम लोग खाएंगे क्योंकि भूख बहुत तगड़ी लगी है। दूसरा भी मिसल पाव आ गया है, खाते हैं भैया, भूख बड़ी तेज लगी हुई है। अच्छा मेरे में ये सब नहीं लाई थी तूने, वाह। कैसा है मिसल पाव, टेस्टी है ना? तो मैं भी खाया, मुझे भी काफ़ी टेस्टी लगा। तो अभी हमारा स्नैक्स खा के हो गया और स्नैक्स काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, मिसल पाव बहुत अच्छा था। और उसके बाद चाय ली हम लोग ने, चाय भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी, है ना? हाँ, बहुत टेस्टी थी चाय तो पी के एकदम मज़ा आ गया, फ्रेश फ्रेश लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं मेरा फ़ोन चार्ज करता हूँ क्योंकि इसमें चार्ज नहीं हुआ, उसके बाद फिर ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। अभी रात हो जाएगी तो मैं आपको ये सब दिखाऊँगा कि कितना प्यारा लगता है। इसको जो डेकोरेट किया है ना, वो देखने का असली मज़ा रात में ही है, वो अभी आप लोगों को वो मज़ा नहीं मिलेगा। ये दीवार के पीछे ही बीच है जो कि मैंने दिखाया आप लोगों को। तो अभी चार्ज लगा देता हूँ फोन पहला। और यहाँ कैंपिंग में डीजे नाइट भी होने वाला है। और ये हैं यहाँ पे मनोज भाई, ये यहाँ के ओनर हैं हमारे, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, बहुत प्यारे पर्सन हैं। इनका मैं कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेक श्योर अगर आप लोगों को आना है तो पहले इनसे कांटेक्ट करके आओ। तो रात में डीजे नाइट रहेगा और गेम भी है और बहुत सारी एक्टिविटीज है करने के लिए यहाँ पे। तो ये कैंपिंग का प्राइस है 1000 रुपीज पर पर्सन। और यहाँ पे अनलिमिटेड फूड है, स्नैक्स है। स्नैक्स में अपने को मिसल पाव मिलेगा जो कि मैंने दिखाया, और वेलकम में कोकन शरबत है, शरबत भी बहुत प्यारा था, चाय भी बहुत अच्छी थी, और जो स्नैक्स था मिसल पाव वो तो मज़ा ही आ गया। 10 बजे से हम लोग का डिनर चालू हो जाएगा, 10 से लेके 12 बजे तक डिनर का टाइम है। फूड भी अनलिमिटेड है, स्नैक्स भी अनलिमिटेड है, वेज और नॉन वेज दोनों का ऑप्शन है। अभी डीजे नाइट जैसा मैंने बोला था होने वाला है, तो डीजे वगैरह सेट हो रहा है। गाना भी आई थिंक आप लोगों को सुनाई देता होगा थोड़ा थोड़ा, कि वहाँ पे स्लो करा के आया आवाज में। अभी इस पे बहुत ही पीसफुल लग रहा है, आराम से लेटा हो और ऊपर पेड़ है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही पीसफुल लग रहा है ऐसा, सामने बादल और मस्त ग्रीन ग्रीन, ये होता है सुकून जो मिल रहा है मुझे, मज़ा आ रहा है। विला जा के ना बोर हो गया हूँ मैं, तो मैंने सोचा कि चलो कैंपिंग करते हैं। अभी नेक्स्ट व्लॉग मैं किधर का बनाऊँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि कहाँ जाते हैं हम लोग। अरे यार आप लोग कमेंट करोगे तभी तो मज़ा आएगा मुझे। अभी पूरी लाइट चालू हो गई है और अभी इतना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैंपिंग का जो मज़ा है ना अभी आ रहा है, पूरी लाइट चालू
ये क्या हो गया, जैसी चालू वाला वैसी बंद हो गई। अभी एक्चुअली में बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छी कैंपिंग है, द टेंट कैंपिंग। हाँ अंकल बोलो, आप क्या बोल रहे थे अभी? अलीबाग बोलेगा तो यहाँ से 18 किलोमीटर रोड से, तो 18 किलोमीटर है। हाँ अगर चल के गया, हाँ चल के गया, हाँ आधा पौन घंटा में उतना ही टाइम में अपन पहुँच सकता है। हाँ बीच में खड़ी रहता है, दो बोट से गया तो चल के उतना ही टाइम में पहुँच जाता है। हाँ क्या आप अपने बचपन के टाइम में वहाँ पैदल जाते थे? बचपन में जाता था, बचपन में अलीबाग उसको बोलो, बचपन में महेश थिएटर था, उस टाइम 95 पैसा उसका टिकट था। हाँ हाँ हमारे पास पैसा जमा हो गया तो 25-25 पैसा बोट वाले को देना पड़ता था। हाँ हाँ 50 और ये बोलेगा तो 1 रुपया 45 पैसा, 1.5 रुपये पकड़ो, 1.5 रुपये में हम पिक्चर देख के इधर आता था। अरे वाह, उस टाइम 1.5 रुपये में पिक्चर देख के वापस आता था। अभी आदमी का पैसा बढ़ गया, अभी चलने को नहीं हो रहा है, बराबर है। अभी आप लोग खुद बताओ कैंपिंग कैसा लग रहा है? मैं तो सामने से बैठ के देख रहा हूँ, कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं कर पाता रहेगा जितना मैं सामने से देख रहा हूँ, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो गाइज आप लोग मेक श्योर विजिट करो द टेंट कैंपिंग, और डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है। ये कैंपिंग का मुझे डेकोरेशन बहुत ही प्यारा लगा, इतना प्यारा डेकोर किए ना। यहाँ से स्टार्ट होता है, ये एंट्री है, यहाँ से आप जाते हो ऐसा, और बहुत ही प्यारा डेकोर किया हुआ है। डिनर करने के लिए जगह है, और यहाँ पे अलग से टेंट है, और यहाँ पे एक अलग से रूम दिया है चेंजिंग के लिए। और सबसे प्यारी चीज़, जैसे आप अपनी फैमिली के साथ आते हो तो यहाँ पे इनके पास रूम्स भी अवेलेबल है, जैसे आपके मॉम डैड को कंफर्टेबल नहीं हो रहा है कैंप में तो इनके पास रूम्स भी अवेलेबल है। अभी फिलहाल डीजे चालू हो रहा है और ये यहाँ पे रील स्क्रॉल करते हुए बैठी है, यहाँ पे गेम स्टार्ट हो रहा है, एक्साइटेड और नॉट। और ये गेम हम लोग हमेशा विला पे खेलते हैं, और ये गेम भी यहाँ पे कैंपिंग। क्या ही मतलब, क्या मैं भी खाता हूँ। और ये जो स्टार्टर है लिमिटेड है, स्नैक और डिनर वो अनलिमिटेड है, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट। सिर्फ इंजॉय कर रहे थे, है ना। तो डिनर में मैं लिया एक चपाती, थोड़ा सा चावल और चिकन, उसके बाद मूवी नाइट 12 बजे से 2 बजे।
सो स्टे ट्यून गाइस, बहुत मजा आने वाला है आज के व्लॉग में। तो अभी हम लोग का डिनर करके हो गया और डिनर भी बहुत अच्छा था, मजा आ गया डिनर करके। अभी लाइव सिंगिंग होगा, फिर उसके बाद मूवी नाइट। देख लो कितना ही प्यारा लग रहा है, एकदम पीसफुल लग रहा है। तो अभी लाइव म्यूजिक चालू होने जा रहा है, इधर सब सेटअप हो रहा है, अभी ये भी चीज इंजॉय कर लेते हैं हम लोग। लाइव म्यूजिक खत्म, अभी मूवी लग रही है, अभी मूवी देखेंगे हम। और अभी रात के 2 बज गए हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, आज मॉर्निंग की शुरुआत ब्रेकफास्ट से हो रही है और ब्रेकफास्ट में है पोहे, तो उसको खाते हैं। पोहे तो मस्त है भाई, खा कर देख। ब्रेकफास्ट में पोहे और चाय अनलिमिटेड, पीते रहो खाते रहो। और कल से लेके अभी तक आपकी सारी सर्विसें मुझे बहुत अच्छी लगी मनोज भाई, यही कैंपिंग चलाते हैं। मुझे टेंट में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था, इन्होंने मुझे सीधा रूम में शिफ्ट कर दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का कैंपिंग। क्या है कि जैसे कभी आप लोग आते हो तो ऐसा इशू होता है, कभी फैमिली के साथ आना चाहते हो तो आपको एंजॉय करना है, एजेड रहते पेरेंट्स तो उनके लिए रूम देखना चाहते हो तो आपको एंजॉय करने को नहीं मिलता है ना, तो यहाँ पे वही भी अवेलेबल है, आपकी फैमिली को रूम में रख के यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। 1000 में सेम प्राइस में यहाँ पे रूम भी अवेलेबल है। जैसे आपको कैंपिंग में नहीं जम रहा है, आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो कोई भी रीजन के वजह से, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है रूम का भी, और उसके कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है, सेम चार्जेस में आपको रूम दिला देंगे मनोज भाई। और यहाँ पे आप कभी भी आओ, आपको कस्टमर की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा, फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, आप लोग कभी भी आओ। यहाँ का जो रिव्यू है मेरा हर कैंपिंग से मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम एज अ फैमिली मेंबर की जैसा ट्रीट कर रहे थे। जब गेम स्टार्ट हुआ तो मैं जा नहीं रहा था, क्योंकि मुझे शाय फील हो रहा था, सब अननोन पर्सन थे तो मैं उनमें कहाँ जाके खेलता था। तो फिर उन लोग ने इतना फोर्स किया कि नहीं नहीं चलो चलो, ऐसा लग रहा था कि कोई अपने ही है, तो फिर गया मैं खेला, वो भी चीजें बहुत इंजॉय किया। और एक चीज और, जैसे आपका बर्थडे है और आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे ये डेकोर करके भी देंगे और उसका कुछ एडिशनल चार्ज नहीं है, सेम चार्जेस में आपको डेकोर करके मिलेगा। और जैसे आप और भी कोई कैंपिंग में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप बाहर से कुछ भी मंगाते हो जैसे कोल्ड ड्रिंक कुछ भी XYZ तो उसमें एडिशनल 20-30 रुपीज लगा के लेते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सेम प्राइस में वो सारी चीजें मिलने वाली है। 40 रुपीज का कोल्ड ड्रिंक है तो 40 का ही रहेगा, 60 का नहीं होगा। ये भी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी मनोज भाई की। और जो मनोज भाई को मैंने अभी दिखाया वो यहाँ के ओनर है, ये पूरी रात यहाँ पे रहते हैं। अगर रात में आप लोग आए हो, किसी को कुछ तकलीफ हो गई, हॉस्पिटल वगैरह से लेके हर चीज उनके पास सारी फैसिलिटीज है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग यहाँ पे जरूर विजिट करें। और अगर आप लोगों को विजिट करना है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मैंने मेंशन किया, आने के पहले कॉल कर सकते हो। तो ये ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, कमेंट करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।